गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे सभी दोस्तों को मेरी तरफ से राधे राधे। दोस्तों, मैं सुधीर त्रिपाठी पंडित जी, अंक ज्योतिषाचार्य व वास्तु गुरु जी, यूट्यूब चैनल गुरु जी लाइव 24 में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो जो है सूर्य का रत्न माणिक। माणिक की संपूर्ण जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचाएँगे। माणिक जो है इसको अंग्रेजी में रूबी कहा जाता है और इसको रत्नों में राज रत्न भी कहा जाता है या रवि रत्न भी कहते हैंगे, और भी अनेक नामों से इसको पुकारा जाता है। माणिक मुख्यतः जो है बर्मा में पाया जाता है और जो आज बाज़ार में न्यू बर्मा या ओल्ड बर्मा के नाम से बिकता है। ये माणिक दुनिया में सबसे अच्छे माणिक में माना जाता है। इसके अलावा अगर हम माणिक की बात करें तो ये काबुल, जहाँ आजकल जो है तालिबान ने कब्जा कर रखा हैगा, वहाँ पाया जाता हैगा। दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता हैगा, हिमालय की चट्टानों में पाया जाता है, श्रीलंका में पाया जाता है और भारत में, दक्षिण भारत में भी पाया जाता हैगा। माणिक जो है मुख्यतः लाल कलर का होता है, जैसा हमारा खून का रंग होता हैगा उस तरह का होता हैगा। इसमें भी जो सबसे अच्छा माणिक है वो गुलाबी कलर का जो होता है, जैसा अनार का दाना होता ना, सेम अनार के दाने जैसा वो माणिक सबसे अच्छा माना जाता है। ये माणिक रत्न के बारे में जानकारी दे देते हैं। अब माणिक रत्न पहनना किसको है और किसको नहीं पहनना, तो जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1 तारीख है, 10 तारीख है, 19 तारीख है और 28 तारीख है, यानी जिनका मूलांक 1 है और उनका मुख्य ग्रह क्या हुआ, सूर्य, ऐसे लोग माणिक धारण कर सकते हैं। लेकिन इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर इनका भाग्य का ग्रह अगर राहु है या शनि है तो ये लोग भी माणिक धारण नहीं कर सकते। या सबसे प्रमुख, अगर किसी का नाम शनि ग्रह पे है या राहु ग्रह पे, तो भी माणिक नहीं पहना जा सकता है, अन्यथा इसके बहुत नुकसान होते हैं। माणिक चूँकि सूर्य का रत्न है तो जो सूर्य से संबंधित कार्य होते हैं, जैसे लकड़ी का कार्य, इलेक्ट्रिक का कार्य, अग्नि का कार्य, सोलर का कार्य, ये सारे कार्य सूर्य से संबंधित जो भी कार्य हैं वो ऐसे लोग माणिक को धारण कर सकते हैं। इसमें मेरा ये मानना है कि जब भी आप माणिक धारण करें तो किसी अनुभवी ज्योतिषाचार्य की सलाह पर ही रत्न धारण करें, अन्यथा मान लेते हैं आपका नाम शनि ग्रह पे है, आपको जानकारी नहीं है, आपने माणिक धारण कर लिया, भले ही आपका काम सूर्य के काम से संबंधित हो, तब भी वो माणिक आपको नुकसान करेगा ही करेगा। तो ये बिल्कुल अच्छी तरह समझ लें कि बिना अनुभवी ज्योतिषाचार के बिना माणिक धारण नहीं करना है। माणिक जो है, जो हमारी अनामिका उंगली होती है जिसे रिंग फिंगर भी कहते हैं, ये वाली उंगली, ये छोटी उंगली के बगल में होती, इस उंगली में धारण किया जा सकता है, जैसे हम भी धारण किए हुए हैंगे, और ये तांबे में या सोने में धारण किया जा सकता है। इसको शुक्ल पक्ष के रविवार को सुबह सूर्य उगने के 3 घंटे के भीतर धारण कर लेना चाहिए, और जो सूर्य का बीज मंत्र या सूर्य के जो मंत्र हैं उनकी जप संख्या जो है 7000 होती है, 7000 जप संख्या करने के उपरांत ही इसको धारण करना चाहिए, तो आपका माणिक आपको बहुत अच्छे फल देता है।
जागृत करने के पश्चात कहते ना कि उसके अंदर एक पावर आ जाती है, वह पावर हमको मिलती है। तो निश्चित रूप से हमने माणिक का रत्न पहना तो निश्चित रूप से क्या होगा, सूर्य का जो रत्न है माणिक वो हमको एनर्जी देता ही रहेगा। और हर रत्न की एक आयु होती है कि उसे कब पहनना है कैसे पहनना है, तो फिर मैं वही कहूँगा अनुभवी जो सचार के द्वारा ही रत्न धारण करें। दोस्तों ये माणिक रत्न की हमने आपको पूर्ण जानकारी दी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को तुरंत के तुरंत लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए व बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि हमारा प्रत्येक वीडियो आपको समय पर प्राप्त हो सके। कमेंट्स जरूर करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि और भी लोग इसका लाभ ले सकें। हमारा जो अगला वीडियो है वो चंद्र ग्रह, चंद्र यानी चंद्रमा, तो चंद्र ग्रह क्या होता है या इसको ऐसा कह लो जिनकी डेट ऑफ बर्थ 2 तारीख है, 11 तारीख है, 20 तारीख है और 29 तारीख है, इनका मुख्य ग्रह चंद्र होता है। तो चंद्र ग्रह की आपको हम संपूर्ण जानकारी देंगे अगले वीडियो में। तब तक आप हमारे संग बने रहिए। तब तक के लिए राधे राधे, जय हिंद।